हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पीटर हाजिर है ऑल अबाउट मूवीज़ पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बॉलीवुड के कुछ फ़नी डांस कंपाइलेशन। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिस पर व्यूअर्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है दोस्तों। दोस्तों लेट्स चेक गाइस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने बॉलीवुड के खामोश, जी हाँ दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली बेटी सोनाक्षी सिन्हा के बारे में, जिनकी अक्षय कुमार के साथ फिल्म आई थी राउडी राठौड़। ये देखिए दोस्तों, अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये क्या एक ही दम से सोनाक्षी सिन्हा के अंदर भूतनी आ गई और अक्षय के अंदर का शैतान भी जाग गया है दोस्तों। अब पेश है एक और डांस का नायाब नमूना। जी हाँ दोस्तों, अक्सर बॉलीवुड की सुर्खियों में छाने वाली कंगना रनौत की एक फिल्म आई थी तनु वेड्स मनु, जो कि काफ़ी अप्रिशिएट हुई थी और इसमें उनका काम भी काफ़ी सराहा गया था। लेकिन दोस्तों, जहां तक डांस की बात है तो कंगना को बिल्कुल भी डांस नहीं करना आता है, और जब भी कोरियोग्राफर उनको डांस के लिए बोलते होंगे तो वे ऐसे रिएक्ट करती होंगी। दोस्तों, फनी डांस की बात हो और सनी पाजी की याद ना आए तो पेश है एक और नायाब नमूना। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि सनी पाजी गुंडों को पीटते, लात मारते, घूंसे मारते, नलका उखाड़ते ही अच्छे लगते हैं, और डांस उनके बस की चिड़िया नहीं है दोस्तों। वे तो ऐसे करते ही अच्छे लगते हैं। ये मजदूर का हाथ है कात्या, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। ये देखिए दोस्तों, चूतियापंथी की एक और नायाब मिसाल। दोस्तों, इसमें ये तीनों कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुंह में जैसे पानी भरकर आदमी कुल्ला करता है उस तरह से ये इनका स्टेप है, और पीछे सभी गोरी बैकग्राउंड डांसर्स भी ऐसा सोच रही होंगी कि कैसे कैसे अश्लील काम करवाते हैं। साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि इस फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर, जिसमें दोनों भाई एक साथ थे, और इस फिल्म में जितनी घटिया एक्टिंग ये दोनों कर सकते थे उससे घटिया डांस किया है दोस्तों। बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हगना बंद करो। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है थानेदार, और इसमें संजय दत्त ने साबित कर दिया कि डांस उनके बस का भी खेल कभी नहीं रहा, और इसमें उन्होंने पूरी तरह से पीटी की है। ये देखिए, वन टू लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। माधुरी का भी डांस खराब कर दिया है दोस्तों। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पहिला तुझा डोळ्यांचा थ्रू कधी शंभर एक कधी शंभर टू, त्या दिवशी झाला फीवर सुरू। यू नो माय एज एम 30+9। ओ दैट मींस यू आर ओल्ड। क्रांतिवीर फिल्म के इस गाने की खासियत ये है कि नाना पाटेकर जानते हैं कि उनको डांस नहीं आता है, और जैसे कि दूसरे गानों में एक्टर्स को ये मालूम नहीं था कि दर्शक इस पे हंसेंगे, इसमें नाना पाटेकर इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर दर्शकों को हंसाने में कामयाब रहे, और उनको देखकर एक ही बात याद आती है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। दोस्तों, एक अच्छे खासे गाने को किस तरह से बर्बाद किया जाता है ये कोई सैफ अली खान से सीखे। जी हाँ दोस्तों, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोरियोग्राफर ने भी इनको टेप चलाकर छोड़ दिया कि भैया इन्हें इनके हाल पर छोड़ना ही ठीक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वैव, मुझे ऐसा ही डांस आता है, कितना भी कुछ कर। मेरे दिल में बस जा, मुझको फंसा ले या फंस जा। सल्लू पाजी, फंसने फंसाने का आपका टाइम गया, अब आप बुड्ढे हो गए हो, आपकी फिल्में देख के दर्शक भी फंसा हुआ महसूस करते होंगे। देख, बुरा मत मानना, चूतिया तो तू है। उठा ले रे देवा, उठा ले मेरे को, निरे इन दोनों को उठा ले। कहाँ तो हॉलीवुड में वो बैटमैन से टक्कर लेता है, और हिंदुस्तान में कहाँ आकर इतना थर्ड क्लास डांस दिखा रहा है। उठा ले रे देवा, उठा ले। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। देख मेरा दिल धड़का, जन्नत की वो हूर नहीं एक लड़की है। तो इस फिल्म को आप पहचान ही गए हो कि ये अजय पाजी की पहली फिल्म है फूल और कांटे। इसमें अजय देवगन ने कुछ नहीं कर रखा है, बस थोड़ी सी कूद फांद, इधर उधर कूले मटकाना, थोड़े से बॉक्सिंग के एक्शन, और हो गया डांस। असल में दोस्तों, अजय देवगन को आप देखकर ये कहोगे ही नहीं कि इनको डांस कभी भी आता है, ये इन्होंने पहली फिल्म से साबित कर दिया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय,
गया। दोस्तों ये एक आई गई फिल्म थी हे ब्रो, और इसमें एक गाना था बुलबुल जिसमें माही गिल थी। और दोस्तों जिस तरह से इन्होंने कूले मटकाए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि शकीरा हिप्स डोंट लाई कर कर पछता रही होंगी कि अरे वाह मुझसे भी अच्छी डांसर है, मुझसे भी अच्छी कूले मटकाने वाली है। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए किस तरह से अश्लील काम ये लोग कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई सी ग्रेड की घटिया फिल्म है। इससे अच्छा तो बंदा पॉर्न देख ले। आह हीरो ने भी कपड़े फाड़ दिए, पूरी तैयारी में है लगता है, चार्ज हो गया देखकर। छी 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 छी, रे रे बाप रे, क्या क्या देखना पड़ेगा रे। तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है कि? दोस्तों वैसे तो वरुण खान ठीक ठाक सा डांस कर लेते हैं, लेकिन उनके पिताजी डेविड धम ने अपनी ही फिल्म कुली नंबर वन को किस तरह से बर्बाद किया अपने होनहार पुत्र को लेकर, और पुत्र किस तरह से अपना पिछवाड़ा फर्श पर घिसा रहे हैं, और इसको कहते हैं फटका मारना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको फटका मारने के लिए कोई चाहिए तो आप वरुण धवन से संपर्क कर सकते हैं। और इनको देखकर एक बात याद, क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? गंदा प्रोडक्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द मिलूंगा नए वीडियो के साथ, टेक केयर एंड गुड बाय।